पर वहीं अगर आपकी 5 लाख से 1 रुपए भी बढ़ गई तो आपके 2.5 लाख से लेके 5 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा ओल्ड रिजाइम के अंदर। होम लोन इंटरेस्ट लास्ट 6 मंथ्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अराउंड 8.9 तक पहुंच गए। और इंडियन सेव करते हैं हमेशा, तो अपनी सेविंग के लिए भी वो देखते हैं, NSE में, PPF में, हर जगह हम सेविंग करके रखते हैं थोड़ा थोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिडक्शंस की तरफ। सो अभी मेजरली हमने अभी तक एग्जेम्पशंस ही कवर करी हैं। सो सबसे कॉमन डिडक्शंस जो कि सबसे पॉपुलर भी हैं वो कौन कौन सी रहती हैं? बेसिकली हर कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस कवर करते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं हर कोई, तो ये कोई NSE, PPF ये कुछ डिडक्शंस हैं जो हर कोई लेते हैं अपनी, क्योंकि इसके अंदर ना, पर ये मैक्सिमम जितनी भी डिडक्शंस हैं ये सब 1.5 लाख से के कैप के अंदर आ जाती हैं। मेडिक्लेम एक अलग है जो 25,000 का 50,000, सीनियर सिटीजन मतलब कि जो 60 इयर्स से ऊपर एज हो गई जिनकी, अगर उनकी इससे ज्यादा एज है तो आपको मैक्सिमम 50,000 की रिबेट मिल जाती है, वरना आपको 25,000 की मिलती है। ये हमारी तो कुछ कॉमन डिडक्शंस होती हैं। एक हमारी होती है NPS स्कीम जो आपको एडिशनल 50,000 का क्लेम देती है, 1.5 लाख के अलावा 50,000 का आपको क्लेम मिलता है उसके अंदर। एक ऐसी होती है NPS एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले हमने किया था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का, राइट, अब ये NPS नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर 10% ऑफ द बेसिक सैलरी आपको और एडिशनल डिडक्शन मिल जाती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, इसके इसमें कोई कैप नहीं है। ये पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा आपका। इतनी आपकी टैक्सेबल इनकम इतने अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको अपने फ्यूचर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए 60 इयर्स के बाद जिनको चाहिए कि एक मेरी फिक्स इनकम उसके बाद भी आती रहे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट के बहुत अच्छे NPS की स्कीम, और ये सारा टैक्स फ्री, ये बिल्कुल टैक्स फ्री भी हो जाते हैं। ये कुछ हमारी कॉमन डिडक्शंस होती हैं। इनके अलावा कुछ डिडक्शंस होती हैं जैसे डोनेशन हो जाती है हमारी, एजुकेशन लोन हो जाता है हमारा, या फिर हमारे जो चिल्ड्रन है उनकी ट्यूशन फीस हो जाती है, स्कूल की फीस हो जाती है, इन सब पे भी हमें डिडक्शंस क्लेम मिल जाते हैं। राइट, हाँ जी। मोस्टली जो वैसे इंडिया में ट्रेडिशनली पॉपुलर रहा है वो PPF है, कि मतलब सबसे ज्यादा वो PPF की तरफ जाते हैं, वो बहुत सेफ है ना, रिस्क भी है, आपको इंटरेस्ट रेट भी उसमें अच्छा मिलता है, 7.5 के अराउंड मिलता है, आपका लॉकिंग भी पीरियड भी थोड़ा सही है, और वो एक कन्वीनियंट है, गवर्नमेंट का सोर्स है क्योंकि वो। दूसरा ये भी है कि मतलब अगर मुझे कभी भी फंड्स की जरूरत पड़ी तो मुझे पता है मैं उससे लोन वगैरह ले सकता हूँ, वो सब ऑप्शन रखते हैं, तो वो काफी सेफ ऑप्शन है। आई थिंक अगर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो वो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब जो आपको रिटर्न्स देता है इंटरेस्ट रिस्क फ्री में, रिस्क फ्री में। म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली आपको 10-12-15 के अराउंड मिल जाते हैं आराम से, क्योंकि 3 इयर्स के लिए वो लॉक इन पीरियड रहते हैं, तो 3 साल के अंदर उनका CAGR कैगर रेशियो होती है जो अराउंड 15-18% के अराउंड मूव करती है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स की। क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? कुछ पोर्शन तो हर किसी को करना चाहिए। तो कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो आप मतलब जिनको आप कर रहे हो पर्सनली, उसके लिए आपको कंसल्टेशन देनी पड़ेगी। चले ठीक है, हम कभी और समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे समझना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए कौन से म्यूचुअल फंड्स। सारे क्लाइंट्स को ना एक उनका पोर्टफोलियो मैनेज करके देते हैं, किस हिसाब से कहां पे थोड़ा थोड़ा सारे रिस्क कवर करते हैं। रिस्क फ्री भी रखते हैं, मॉडरेट रिस्क भी रखते हैं और हाई रिस्क भी रखते हैं। कुछ कुछ पोर्शन हर किसी का कितना मतलब अपनी एपिटाइट होती है हर किसी की अपनी रिस्क लेने की, तो उनसे डिस्कस करके उस हिसाब से उनका एक प्लान बना के देते हैं। अच्छा, कि आप हमारे इतने फंड्स अवेलेबल हैं, आप किस तरह से कहाँ कहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं इन फंड्स को। बड़ी मतलब जैसे आपका अपना कोई हेज फंड टाइप या जो एस्टैब्लिश म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे फ्रैंकलिन हो गया, मेरा ये सेट हो गया, इन सब के थ्रू हम उनको बता देते हैं कि आप इतना इतना पोर्शन अपने फंड्स का इधर इधर इन्वेस्ट करिए। स्पेसिफिकली हम कुछ ब्लू चिप्स शेयर्स भी बता देते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी बता देते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स में इन शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और टैक्स सेविंग भी हो जाती है। अच्छा, ओके सही है, ये इस पे हम कभी कभी और डिस्कस करेंगे। आई थिंक क्योंकि ये पेड सर्विस होगी तो बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके नहीं होंगे, बट हाँ कुछ एक बेसिक की मतलब किस तरह से इन चीजों को प्लान आउट किया जा सकता है, क्या पॉइंटर्स हैं जिसके थ्रू आप वो उन तरह के म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर हम देखेंगे जल्दी कोई और एक नया वीडियो करेंगे। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक बार अब जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डोनेशन की तरफ, राइट। सो डोनेशन इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द नॉन कॉमन डिडक्शन जो कि आप क्लेम कर सकते हो। सो जैसा कि आपने बताया कि
डोनेशन इज लाइक एन टैक्स सेविंग ऑन एक्सपेंस, राइट? इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ कि मतलब टैक्स सेविंग ऑन एक्सपेंस क्या हो गया? बेसिकली मैं आपको बताऊं, जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं वो कुछ भी एक्सपेंस करते हैं तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता. ओके. जी, आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कुछ भी हो, आपकी एक सैलरी हो, उसके लिए कुछ उन्होंने अलाउंसेस बताए हैं, उनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा बेनिफिट. जो हमारा डोनेशन है, आप जो कहीं पे भी डोनेट करते हैं, जैसे रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, आपके मंदिर वगैरह होते हैं जैसे हमारे, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हमारी, आप इनको डोनेट करते हैं तो जितना आपने डोनेट किया है उस हिसाब से आपको उतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है आपकी उतनी. ओके. पर इनके अंदर क्या होता है, जितने भी रिलीजियस फंड्स होते हैं या और दूसरे फंड्स होते हैं उसमें 50% ऑफ द डोनेशन आपको ही टैक्स लायबिलिटी टैक्स एक्सपेंस आपका कम होते हैं. ओके. बट पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप डोनेट करते हैं तो आपने जितना भी डोनेट किया, लेट्स सपोज 5 लाख 10 लाख जितना भी डोनेट किया उतने पूरे से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी. ओके ओके. सो मतलब जो मुझे समझ आया वो ये कि आप इसलिए इसको एक्सपेंस बोल रहे हैं, बेसिकली टैक्स सेविंग ऑन एक्सपेंस बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपने पहले स्पेंड किया. yes. और उसके ऊपर जो है आपको वो मिला. मतलब ये कैसी चीज है, बाकी जैसे हम डिडक्शन देखते हैं वो ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया या फिर LIC करा लिया, वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मुझे रिटर्न देंगे, राइट? बट यहाँ पे मुझे कोई मतलब रिटर्न नहीं, बट यहाँ पे मुझे इंडियंस बहुत रिलीजियस होते हैं, राइट? तो वो डोनेशन देते हैं काफी, तो वो 51,000 ऐसे रिलीजियस फंड्स में डोनेट करते रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उनको इनकम टैक्स में इसका रिबेट मिल जाएगा. तो आपने एक्सपेंस कर ही दिए तो व्हाई नॉट क्लेम रिबेट, राइट? राइट. इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है कि शायद इसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि जहां अगर समझ लीजिए मैं 70,000 या मैं मान लो 80,000 में पे करना चाहता हूँ तो बेटर है कि मैं उसमें 10-20% और डाल दूं जो कि मेरे को टैक्स क्लेम मिल रहा है और मैं वहां ज्यादा दे दूं क्योंकि मुझे यहां तो एक बेनिफिट मिल रहा है, राइट? तो उससे बढ़िया मैं वहां ज्यादा दे दूं, जो टैक्स आने वाला है वो भी मैं वहीं पे पे कर दूं, राइट? तो इसी तरीके से करते हैं कुछ कुछ. अब धीरे धीरे यूथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भी करने लग गए क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं तो पूरा 100% की हमें डिडक्शन मिल जाती है, राइट? राइट. तो रिलीजियस फंड्स में 50% की डिडक्शन. मुझे लगता है आज की डेट में पॉलिटिक्स काफी अच्छा करियर ऑप्शन भी बन गया है, इसके थ्रू आप किसी तरह उस तरह भी जा सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी वगैरह काफी पार्टीज ऐसी जो की नई ग्रो करके आ रही है तो लोगों को काफी यूथ को मतलब डोनेट करते हैं, आपके लिंक्स बनते हैं, उस तरह करियर ऑप्शन दे सकते हैं. वी आर नॉट recommending that you get aligned to any political party या फिर आप वहां पे अपना करियर देखें, but yeah, I mean, if you are doing this for any reason, so there's this one reason that there's this one like good part that आप उसके ऊपर एक अपना टैक्स जो है अपना सेव कर सकते हैं आपने वो किया है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एक टर्म मैंने सुना हुआ है अंडर सेक्शन 87A, so वो एग्जैक्टली ये क्या टर्म है, मतलब ये काफी पॉपुलर. हम इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ने आपको, जैसे मोदी जी यूज करते हैं रेबड़ी वर्ड, वो अपनी स्पीच यूज करते हैं कि रेबड़ी दी है, फ्री की रेबड़ी देते हैं, उसी तरह ये ना गवर्नमेंट ने हमें हर एक एम्प्लॉय को हर एक टैक्स पेयर को रेबड़ी दी हुई है कि उन्होंने अभी तक पोस्ट बजट तक 5 लाख तक की रिबेट दी हुई है 87A के अंदर, सेक्शन 87A. अच्छा. उसमें कि अगर आपकी 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो उसमें आपका 0 टैक्स है, पर वहीं अगर आपकी 5 लाख से 1 रुपए भी बढ़ गई तो आपके 2.5 लाख से लेके 5 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा ओल्ड रिजाइन के अंदर. ओके. ओल्ड तो आपकी 1 रुपए बढ़ने से 12,500 का टैक्स बढ़ जाता है. ओके. अच्छा. तो समझ रहे हो कि वो कह रहे हैं कि जिनकी 5 लाख या उससे कम इनकम है उनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है. अच्छा. बट अगर 5 लाख से 1 रुपए भी बढ़ गया ना तो 2.5 लाख से लेके ऊपर तक का वो 5% के हिसाब से 12,500 टैक्स पे करना पड़ता है, तो 1 रुपए पे हमें 12,500 देना पड़ रहे हैं. ओ अच्छा. तो ये इन्होंने यहाँ पे ना थोड़ा कह सकते हैं एक ट्रिकी पॉइंट है ये. अच्छा. कि अगर आपकी इनकम कहीं ना कहीं आके 5,20,000 पे आके अटक गई, आपकी इनकम है 5,20,000, तो आपकी इनकम तो 5,20,000 पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है इस पे 12,500 प्लस 20,000 पे 20% 4,000 और. Okay. तो 16,500 पे करना पड़ेगा सिर्फ 20,000 की इनकम के ऊपर. क्योंकि आपकी 5 लाख से 1 रुपए भी कम इनकम होती तो आपको 0 टैक्स है, right, पर 5 लाख से 1 रुपए बढ़ते ही साथ इसके ऊपर टैक्स लग जाता है, पूरा टैक्स लग जाता है, राइट? राइट. तो ये चीज है जो काफी लेमैन जो होते हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या रिबेट. 87A की रिबेट के बजट में भी हमने सुना है इन्होंने इस रिबेट को न्यू टैक्स डिजाइन के अंदर 7 लाख तक इंक्रीज कर दिया, 5 लाख की जगह 7 लाख कर दिया. तो ये सब चीजें हैं जो कि
दिखने में बहुत अच्छी लगती है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है टैक्स फ्री हो गई, या 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है टैक्स फ्री हो गया, पर वो ऐसा होता नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपकी 1 रुपए इनकम बढ़ने से आपके ऊपर बहुत ज्यादा वो टैक्स बटन बढ़ता है, पूरे उस 5 पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है स्लैब रेट्स के हिसाब से। सो इसको ही इन जनरल हम 80 अंडर सेक्शन 87 वो जो हमें रिबेट मिलती है ना वो 87 ए के अंडर बोलते हैं। जैसे हम हमें डिडक्शन मिलती है 80 सी के अंदर मिलती है, हम डोनेशन करते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है 80 जी या जी जी सी के अंदर, उसी तरह ये रिबेट है इसका एक अलग सेक्शन बना है 87 इनकम टैक्स का सेक्शन, जहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि हम आपको इतना बेनिफिट मिलेगा टैक्स बेनिफिट। बट हाँ मतलब जैसे कि समझ आ रहा है दिस इज मेजरली फॉर पीपल हु आर लाइक नॉट ऑन द हायर इनकम साइड, लोअर इनकम साइड पे उनके लिए काफी बेनिफिट, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल। राइट राइट राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है अराउंड रीइंबर्समेंट्स। सो काफी लोगों को रीइंबर्समेंट्स मिल जाते हैं, जैसे मोबाइल के बिल का मिल गया, घर के नेट घर के ऊपर अगर आपने कनेक्शन लगवा रखा है उसका मिल गया, और भी जैसे बेसिकली आपने कुछ अपना ऑफिस इक्विपमेंट्स का ले लिया कुछ कुछ चीजों का मिल गया है ना। सो क्या ये रीइंबर्समेंट्स जो है मतलब इसको कैसे हैंडल करना होता है, मतलब क्या ये सैलरी का पार्ट होता है आपको बिल जमा कराने, क्या है इसका? आपने जो अभी बात करी है ना, आपने अपनी ही जो 3 एग्जांपल्स दिए उसमें आपने 1 रीइंबर्समेंट ली और 2 अलाउंसेस की बात कर दी है। ये क्लेमेंट को ना डिफरेंस नहीं पता चलता कि हमारे अलाउंसेस कौन से हैं और रीइंबर्समेंट्स कौन से हैं। जैसे आपने कहा कि कोई टेबल या चेयर ली जिसके लिए हमें एक्सपेंस वापसी मिल गया, ये होता है हमारा रीइंबर्समेंट। अच्छा, इसको हम अपनी सैलरी में ही ऐड नहीं करेंगे हमारी। अच्छा। अगर आपने किसी कोई चीज सैलरी में ऐड ही नहीं की तो आपको बाद में उसको एक्सपेंस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना आपको अपनी सैलरी में से। आपने जैसे लेट सपोज 10,000 की कोई टेबल या चेयर ले ली, जैसे कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम में कंपनीज ने दिए थे कि आप 10,000 तक की अपनी चेयर ले लो घर पे मंगवा लो, तो वो आपका अलाउंसेस नहीं है, वो आपकी रीइंबर्समेंट्स हैं जो कि आपने पहले पेमेंट की उसके बाद कंपनी ने आपको वापसी कर दी। तो आप इस जो आपको मिला है उसको आप अपनी सैलरी पोर्शन में ऐड नहीं करते। पर वहीं जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस की आपने बात की या फिर आपने फूड बिल्स की बात करी, ये सब होती है हमारे अलाउंसेस। इसमें क्या होता है, अगर हमें एक्सपेंस भी होता है ना तो वो आपकी जो सैलरी स्लिप होती है उसके अंदर पहले ही उसके अंदर मेंशन होता है कि आपको जैसे HRA अलाउंस होता है, LT अलाउंस होता है, वैसे फूड कूपन्स भी मिले होते हैं हमें, उतने पोर्शन तक का हमारा सैलरी के अंदर एड अप हुआ होता है तो हम उतने अमाउंट वहां से डिडक्ट कर सकते हैं बाद में, वो हमें बेनिफिट मिल जाता है, वो होते हैं अलाउंसेस। रीइंबर्समेंट्स हमारा पहले हम एक्सपेंस करते हैं फिर हमें कंपनी देती है, तो वो हमारा ना सैलरी में ऐड होता है ना फिर हम माइनस करेंगे उनको, तो सैलरी का पार्ट ही नहीं बनते रीइंबर्समेंट्स। सो काफी अच्छा सेशन था जिसके अंदर हमने काफी बेसिक्स निटिग्रिटीज ऑफ टैक्स समझे और जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे जो है अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ लाइक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सेशन है जो कि एक नॉर्मल बंदे को पता नहीं लगते, जिसकी वजह से हम इवेंचुअली हायर टैक्स जितना हम सेव कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा टैक्स जो है हम पे कर देते हैं। सो इसके ऊपर हमारा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था। हम ट्राई करेंगे कि और सेशंस हम करें जिसके अंदर हम और फाइनेंशियल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और पर्सपेक्टिव कैसे हम बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं, कैसे हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, उस चीज़ों के अराउंड हम फिर से और सेशंस करने की कोशिश करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और अच्छा हाँ, और एक लास्ट थिंग, सो जो कि अक्षय का जो लिंक है, अक्षय के जो डिटेल्स हैं, से अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सो वो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।